Good morning, friends. Welcome back to digital platform of online study at Allahabad. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, मजे कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने दो तरह के लूप्स पढ़े थे। पहला है व्हाइल और दूसरा था दो व्हाइल। व्हाइल को हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड एंट्री लूप, क्योंकि वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे कंडीशन चेक होता है। और डू व्हाइल को हम लोग कहते हैं कंट्रोल एग्जिट लूप, क्योंकि वहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे कंडीशन चेक होता है। डू व्हाइल लूप भले ही कंडीशन फॉल्स हो, कम से कम एक बार जरूर चलता है, जबकि व्हाइल लूप अगर कंडीशन शुरू से फॉल्स है तो एक बार भी नहीं चलेगा। ये दोनों में फर्क था। आइए आज हम लोग तीसरे तरह के लूप्स के बारे में बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है, अर्थात यहाँ पे भी वही होगा, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट किया जाएगा, है ना। जैसे लूप में चार पार्ट होते हैं, यहाँ पे भी वही चार पार्ट होंगे। बट यहाँ पे फर्क क्या है, आप देखते हो कि व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन करते थे लूप के पहले करते थे, है ना, फिर कंडीशन चेक करते थे, अगर व्हाइल है डू व्हाइल है तो लास्ट में चेक करते थे, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते थे और उसी बॉडी के अंदर हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, अपडेशन करते थे, यही होता था। यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, ये तीनों स्टेटमेंट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, स्टेटमेंट का ही पार्ट है। देखें कैसा होता है। तो फॉर लूप क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप ऑल्सो रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक दिया हुआ कंडीशन ट्रू है, तब तक वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा। इन दिस स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन टर्मिनल कंडीशन एंड अपडेशन आर पार्ट ऑफ फॉर स्टेटमेंट। हमारा जो तीन पार्ट थे, कौन कौन से, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनल कंडीशन और हमारा अपडेशन, ये तीनों फॉर स्टेटमेंट के ही पार्ट है। इनको अलग से कहीं बाहर या अंदर बताने की आवश्यकता नहीं। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, फिर देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फॉर लूप का, अगर हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखें तो उसका सिंटैक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन, बीच में सेमी कोलन, फिर यहां पे कंडीशन, टर्मिनल कंडीशन जिसे हम लोग कहते हैं,
फिर सेमी कोलन और यहां पर रहेगा अपडेशन और ये हो गया हमारा लूप का बॉडी यानी कि वो स्टेटमेंट जिसे हमें रिपीट करना है वो यहां पे लिख देंगे। ये है हमारे फॉर स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब आप देख रहे होंगे कि जो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और अपडेशन है, ये फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही बताया गया है। फॉर स्टेटमेंट यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, बट ये तीन पार्ट जो पहले हम लोग व्हाइल में डू व्हाइल में क्या वैलिडेशन ऊपर करते थे, कंडीशन यहां करते थे या नीचे करते थे, इनिशियलाइजेशन बॉडी के सॉरी अपडेशन बॉडी के अंदर करते थे, यहां पर इसको व्यवस्थित तरीके से रखा गया। अभी काम कैसे करेंगे जरा इसको देखो। अब देखिए ऊपर से आया, सबसे पहले कहां जाएगा? इनिशियलाइजेशन में। जो भी इनिशियलाइजेशन करना है वो कहां करेंगे? यहां पर, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करने के बाद कहां जाएगा? कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है, ट्रू होगा तो अंदर जाओ। अंदर कब जाओ? अगर कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन फॉल्स है बाहर आ जाओ। दो ही चीज होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। ट्रू है तो यहां जाओ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, जितने दिए हैं सारे एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करो, या यहां आ गया खत्म हुआ तो यहां से भेज दो अपडेशन पे, और अपडेशन करने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक करो, और कंडीशन फिर से या तो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो अंदर जाओ, फॉल्स है तो बाहर। अब देखिए जब तक कंडीशन ट्रू होगा यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, ऑपरेशन करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ऐसे रिपीट करता रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर स्टेटमेंट का, इसको नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Write a program to input a number and print multiplication table of the number. एक नंबर इनपुट कराओ और उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करो। चलिए किया जाए। ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है व्हाइल लूप से, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे हैश इंक्लूड। आप लोग लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं। मेन फंक्शन के अंदर हमें एक तो वेरिएबल चाहिए n जिसमें इनपुट कराएंगे, और मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने पता था i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ले जाएंगे और i से गुणा करेंगे। i की वेरिएबल हमने ले लिया और एक मल्टीप्लाई करने के वेरिएबल